हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। किरण बेकिंग एंड कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग बनाने वाले हैं वेनिला आइसक्रीम। मार्केट जैसा एकदम क्रीमी आइसक्रीम वो आप घर पे बना सकते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं वेनिला आइसक्रीम। और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं वेनिला आइसक्रीम बनाने के लिए। सबसे पहले गैस ऑन करते हैं। उस पर एक कढ़ाई रखते हैं और ये आधा लीटर दूध है। आधा लीटर दूध फुल क्रीम वाला है तो आप आइसक्रीम के लिए फुल क्रीम का ही दूध यूज कीजिए। इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे। इसको बीच बीच में चलाते रहें ताकि नीचे बैठे नहीं। और इसको उबाल के हाफ दूध कर लेना है। आप आइसक्रीम बनाने के लिए फुल क्रीम वाला दूध ही यूज कीजिए, उससे आइसक्रीम बहुत ही अच्छा बनता है। जैसा कि देख सकते हैं दूध में उबाल आ गया है तो गैस का फ्लेम मीडियम पे रख देते हैं और इसको आधा होने तक उबालते हैं। अब इसमें 6 चम्मच शक्कर डाल देते हैं। शक्कर और दूध दोनों को अच्छे से उबाल लेना है। जैसा कि देख सकते हैं दूध हमारा अच्छे से गाढ़ा हो गया है तो अब गैस बंद करके इसको ठंडा होने देते हैं। जब तक ये दूध हमारा ठंडा होता है आइए हम लोग व्हिपिंग क्रीम को व्हिप कर लेते हैं। आइए इसमें 150 ग्राम व्हिपिंग क्रीम ले लिए हैं। अब इसको बीटर से अच्छे से व्हिप कर लेते हैं। जैसा कि देख सकते हैं क्रीम हमारा व्हिप हो गया है। आइए अब हम लोग क्रीम में ये जो दूध को हम लोगों ने गाढ़ा करके रखा था वो डाल देते हैं उसमें। इसमें आप कंडेंस मिल्क भी यूज कर सकते हैं लेकिन ये घर का गाढ़ा किया हुआ दूध है तो इससे और अच्छा ज़्यादा टेस्टी आइसक्रीम बनता है। तो आप ऐसे ही बनाइए, बहुत ही स्मूथी आइसक्रीम बनेगा। हम लोग वेनिला आइसक्रीम बना रहे हैं तो 1/4 टीस्पून वेनिला एसेंस डाल रहे हैं। अब तीनों को अच्छे से एक बार और मिक्स कर लेते हैं। Thank you.
ये अच्छे से मिक्स हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना स्मूथ लग रहा है ये। अब इसको कोई भी एयर टाइट डब्बे में डाल के उसको फ्रीजर में रख देते हैं। अब इसमें आइसक्रीम को डाल देते हैं। अब इसके ऊपर सिल्वर फॉइल लगा देते हैं ताकि इसके अंदर आइस ना जा सके और आइसक्रीम हमारा बहुत ही क्रीमी बने। और इसके ऊपर से ये ढक्कन लगा देते हैं। और इसको 6 से 7 घंटे तक या आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं फ्रीजर में। आइए अब देख लेते हैं आइसक्रीम कैसा जमा है अपना। वाह, जैसा कि देख सकते हैं कितना क्रीमी हुआ है और अच्छे से जम गया है। तो आइए अब हम लोग सर्व कर लेते हैं। जैसा कि देख सकते हैं कितना सुंदर और कितना क्रीमी बना है अपना आइसक्रीम। और इसके ऊपर और चॉकलेट सिरप डाल के इसको और भी टेस्टी लगेगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है आइसक्रीम हमारा।